सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। चलिए आज जो है हम लोग नवंबर का इतिहास के विषय का सातवां अध्याय कृषि और खेतियर समाज की ओर चलते हैं और इस पर जो है चर्चाएं करते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में भी हम लोग इस अध्याय पर चर्चाएं कर चुके हैं और आप लोगों से हमारा यह आशा है कि आप लोगों को हमारा जो पाठ है या अच्छा समझ में आ रहा होगा और आप लोग घर पे निश्चित रूप से मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बच्चों देखिए, कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी, आप लोगों से पहले भी हम बता चुके हैं। तो ऐसे में कृषि की शुरुआत जो हुई थी नवपाषाण काल में आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले पूर्व हुई थी और कृषि मानव समुदाय का प्राथमिक उद्योग था, ठीक ना। कृषि पहले आदिमकालीन तरीके से की जाती थी, ठीक ना। धीरे धीरे इसका विकास हुआ। आप लोग जान जाइए कि मनुष्य जो है सबसे पहला कोई कार्य किया, तो कार्य में जैसे मान लीजिए आग का आविष्कार हुआ, आग के आविष्कार के पहले जो है मनुष्य जो है जो भी शिकार करते थे जानवरों का, वो कच्चे ही मांस को खाते थे। उसके बाद उन्होंने पुरपाषाण काल में जो है आग का आविष्कार हुआ, उसमें जो है मनुष्य जानवरों को पकाकर खाने लगा। उसके बाद नवपाषाण काल में जो कृषि की जो आरंभ हुई, कृषि के जो है शुरुआत हुआ, उसके बाद मानव की स्थिति ही बदलने लगी। वह एक नवीनतम खोज की ओर निकल पड़ा और जो है संगठित होना, अनाजों के रख रखाव के लिए ध्यान देना, ये सारे बातें जो है एक समुदाय में रहना, ये सारे बातें जो है अब आने लगी उनके लोगों के अंदर दिमागों में। और जो है मनुष्य का जीवन जो है पटरी पर अच्छे ढंग से धीरे धीरे चलना जो है आरंभ हो गया। इसमें कृषि में निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, विस्तृत कृषि, उत्पादन कृषि, व्यापारिक बागवानी, राजकीय कृषि, सामूहिक कृषि तथा सहकारी कृषि जो है ये मुख्य प्रकार की कृषि है। कृषि के भी कई प्रकार होते हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से की जाती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसी कारणों की जरूरत है। ग्रामीण लोग जो हैं, चूँकि खास करके बिहार के लोग जो हैं कृषि कार्य पर अधिक निर्भर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोजी रोजगार की कोई दूसरा साधन उपलब्ध नहीं है और अधिकांश लोग कृषि से ही जो उत्पादन होते हैं उन्हें बाजारों में, मंडियों में बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छे ढंग से चलाने का पूर्ण से प्रयास करते हैं, ठीक ना बच्चों। इसमें बहुत प्रकार के कृषि कार्य है, केले की खेती है, लीची भी है, ठीक ना, गेहूं है और जो है आपके सामने यहाँ पे है कपास की कृषि है। तो बहुत प्रकार के कृषि कार्य हैं जो कि अच्छे पैसा के स्रोत होते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था उससे अच्छी ढंग से व्यतीत होती है। तो बच्चों आइए आप लोग देखते हैं आज का जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास के उत्पादन पर प्रकाश डालें। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उत्पादन है उस पर प्रकाश डालना है। कह रहा है उत्तर, कपास रेशेदार औद्योगिक फसल है, ठीक ना। इसका उत्पादन उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। इसका उद्गम स्थल संभवतः भारत है। यहीं से कपास का पौधा चीन, मिस्र तथा अन्य देशों में ले जाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का नव विकसित कपास उत्पादन का क्षेत्र है। यह कैलिफोर्निया की मध्य घाटी से पश्चिम तट तक तथा दक्षिण में मैक्सिको की सीमा तक फैला है। सान जोक्विन घाटी, इम्पीरियल घाटी, एरिजोना एवं मैक्सिको के दक्षिणी तथा मध्य भाग में कपास की सघन खेती होती है, ठीक है बच्चों। इस क्षेत्र में पिछले 20 वर्ष में कपास की खेती का अधिक विस्तार हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 37% कपास टेक्सास
14% कपास कैलिफोर्निया, 8% मिसिसिपी में तथा 9% कपास एरिजोना और मैक्सिको में उपजाया जाता है। टेक्सास में उत्तम श्रेणी का कपास उगाया जाता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में जो कि मिश्रित कपास की खेती की जाती है, इसकी फसल को उगाए जाते हैं। तो बच्चों आप लोग क्या जाने, आप लोग को यह बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो नव विकसित कपास का उत्पादन का क्षेत्र है, पहले वहाँ पे कपास की कीमत 9 के बराबर होती थी, लेकिन बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है नव विकसित कपास उत्पादन क्षेत्र बना है, ठीक ना। उसमें कहाँ पर कितना प्रतिशत जो है कपास होता है इसके बारे में हमने लिखवाया है, जिसमें सबसे उत्तम श्रेणी का उत्तम क्वालिटी का जो कपास की खेती होती है वह टेक्सास में होती है, टेक्सास में होती है। अन्य जगहों पर मिश्रित जाति का कपास उगाया जाता है, ठीक ना। हो सकता है वहाँ पे जो है जो वहाँ के जलवायु हो, मिट्टी हो, वह कपास की खेती के लिए उपयुक्त हो। आप लोग को जानना चाहिए कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी, जिसे रेगुल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही उपयोगी होती है, ठीक ना, जो कि ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होती है। इस मिट्टी जो होती है ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न होती है। तो बच्चों आप लोग इसे फिर कॉपी पर लिखेंगे। चलिए बच्चों आप लोग इसे फेयर कॉपी में लिखने के बाद निश्चित रूप से आप लोग इसे याद भी करेंगे, ठीक ना। और आप लोग से हमारी आशाएँ और उम्मीदें बनी हुई हैं, घर पर जो है समय का सही सदुपयोग करेंगे। तो बच्चों आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।